आईपीएल 2024 का मैच नंबर 68 जो कि खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। ये महामुकाबला 18 मई को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग शाम 7:30 से एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला जाएगा। आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस मैच के दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की, पिच रिपोर्ट की, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की और साथ ही साथ जानेंगे कौन सी टीम जीतने वाली है इस मुकाबले को। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। बात करें अगर इन दोनों के बीच हुए हेड टू हेड मुकाबलों की तो इन दोनों के बीच अभी तक कुल 32 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें से 21 मुकाबलों में चेन्नई की टीम जीती है, वहीं 10 मुकाबलों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीत हासिल की है जबकि एक मुकाबला नो रिजल्ट रहा था। हेड टू हेड मुकाबलों के अकॉर्डिंग यहां पर चेन्नई का पलड़ा काफी ज्यादा भारी नजर आ रहा है, लेकिन अगर एम चिन्नास्वामी के ग्राउंड पर बात की जाए तो इन दोनों के बीच अभी तक कुल 9 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें से 4 मुकाबले आरसीबी जीती है, वहीं चेन्नई 5 मुकाबले जीती है। तो यहां पर इस ग्राउंड पर दोनों ही टीमें लगभग बराबर रहती हैं। अब बात करें अगर दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की तो हमें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ओर से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे विराट कोहली और कप्तान फाफ डू प्लेसिस, वहीं मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर में खेलते हुए दिखेंगे रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, दिनेश कार्तिक और महिपाल लोमरोर, वहीं बॉलिंग लाइनअप में करण शर्मा, यश दयाल, मोहम्मद सिराज और स्वप्निल सिंह खेलते हुए दिखेंगे। विल जैक्स नेशनल ड्यूटी के चलते वापस लौट चुके हैं तो इस टीम में नजर नहीं आएंगे। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इस मुकाबले को जीत पाएगी? इससे पहले बात करेंगे हम क्या रहेगी चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 की। तो हमें चेन्नई की ओर से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे रचिन रविंद्र और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, वहीं मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर में खेलते हुए दिखेंगे डैरेन मिचेल, शिवम दुबे, समीर रिजवी, रवि जडेजा, एमएस धोनी और मिचेल सैंडनर, वहीं बॉलिंग लाइनअप में मौजूद है शार्दुल ठाकुर, तुषार देशपांडे और सिमरनजीत सिंह। दोनों ही टीमों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो यहां पर टॉप ऑर्डर में बैंगलोर की टीम काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है, इनफॉर्म भी है, वहीं अगर मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो यहाँ पर मिडिल ऑर्डर में दोनों ही टीमें लगभग बराबर हैं। दोनों ही टीमें काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस करके यहाँ तक पहुंची हैं और यहाँ पर जो भी टीम जीत हासिल करेगी वो टॉप 4 में जगह बनाएगी और फाइनल के लिए आगे की ओर बढ़ेगी। तो इन दोनों के बीच हमें एक बेहतरीन हाई स्कोरिंग टक्कर का मुकाबला देखने को मिलने वाला है। दोस्तों अगर इस मुकाबले में बैंगलोर की टीम 18 रन से जीत हासिल कर लेती है पहले बल्लेबाजी करती हुई, वहीं सेकंड बैटिंग करती हुई 18 ओवर में रन चेस कर देती है तो आरसीबी की टीम क्वालिफाई कर जाएगी। तो आरसीबी और चेन्नई दोनों के लिए काफी बड़ा मुकाबला है, दोनों ही टीमों को इसमें जीतना ही जीतना है। तो बेहतरीन जैकपॉट मुकाबला देखने को मिलेगा और जैकपॉट की 1-to-1 अपडेट आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, इसलिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बात करें अगर पिच रिपोर्ट की तो ये मुकाबला खेला जाएगा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, जहाँ की पिच आमतौर पर बैटिंग फ्रेंडली रहती है और यहाँ पर हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं। यहाँ का ग्राउंड छोटा है जिससे कि बड़े बड़े शॉट देखने को ज्यादा मिलते हैं। यहाँ के फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 169, वहीं सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 149 रन है। यहाँ का हाईएस्ट टोटल 287 है, वहीं लोएस्ट टोटल की बात की जाए तो 48 है। यहाँ पर अभी तक हाईएस्ट चेज 213 हुए हैं, वहीं लोएस्ट डिफेंड की बात की जाए तो 106 है। यहाँ पर आज जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी या बल्लेबाजी अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग चूज करेगी, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट बैटिंग और सेकंड बैटिंग दोनों ही का जीतने का एवरेज लगभग बराबर है। यहाँ पर स्पिनर्स के मुकाबले पेसर्स को ज्यादा मदद देखने को मिलती है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर पेसर्स ज्यादा विकेट चटकाते हुए नजर आएंगे। हमने बात की दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की, पिच रिपोर्ट की और हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। अब वक्त है हमारी फाइनल प्रेडिक्शन का, जिसका आप सभी को इंतजार है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम को इसलिए ज्वाइन करना है क्योंकि वहाँ पर टॉस की अपडेट, मैच की अपडेट तो आती आती है, इसी के साथ सेशंस भी वहीं पर प्रोवाइड किए जाते हैं और जो अदर लीग चल रही है, अदर मैचेस चल रहे हैं, उनकी भी प्रेडिक्शंस आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वो भी बिल्कुल ही फ्री। इसलिए अभी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको मिलेगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक बार जाइए चेक जरूर कीजिए क्योंकि वहां पर बैक टू बैक काफी प्रॉफिट करा रहे हैं हम लोग। एक बार चेक करेंगे तो आपको खुद ही विश्वास हो जाएगा। अब बात करें अगर अपने पर्सनल प्रेडिक्शन की तो एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर दोनों ही टीमें लगभग बराबर नजर आ रही हैं, लेकिन हमारा पर्सनल प्रेडिक्शन ये कहता है कि इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इस मुकाबले को जीत सकती है। हाँ दोस्तों, बैंगलोर के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन फाइनल अपडेट के लिए आपको कहाँ पर आना है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम पर आना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि फाइनल विनर, करेक्ट 100% एक्यूरेट विनर आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा मैच से काफी देर पहले। इसी के साथ टॉस विनर भी वहीं पर दिया जाएगा और सेशंस भी, सारी अपडेट आपको बिल्कुल ही सटीक हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है, आप जाकर खुद ही चेक कर सकते हैं। इसलिए अभी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन
आप तक पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।